तो आगे अपन जो भी बातें करेंगे उन सभी बातों को मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में मैं कहीं भटक गया तो मैं ये वीडियोस देख के रियलाइज कर पाऊँ कि हु एम आई एंड व्हाट आई वांट टू बिकम। और शायद अगर आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया तो ये वीडियो आपके भी काम आ सकती है और आप भी जान सकते हो कि दिस ऑल्सो कैन हैपन्स। और ये बातें ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि मैंने इतना कॉम्प्लेक्स सोचा है, और सोचना अलग है अपनी सोच किसी दूसरे की सोच में डालना, वो भी वीडियो के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू या फिर सिर्फ बातें बोल के, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके सही है। आज के सोशल मीडिया वाली एज में ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुद को कैसे दिखाते हैं। हमारी इंस्टाग्राम फीड, हमारी फेसबुक या फिर हमारी 24 घंटे वाली स्टोरी, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरह से उसको फीड करते हैं। ये सब हम यूं ही नहीं लगाते, कुछ सोच समझ कर लगाते हैं, किसी को ध्यान में रख के लगाते हैं। लेकिन जो भी आप इंटरनेट पर डाल दो वो वहाँ पे हमेशा रहेगी, भले आप उसको डिलीट कर दो लेकिन वो वहाँ पे हमेशा ही रहेगी। तो जब कोई चीज़ कहीं पे हमेशा रह रही है तो वहाँ पे हम अपना बैड साइड क्यों ही डालें, हम हमेशा अच्छी पिक्चर ही डालेंगे। हम हमेशा चिल मोड पे रहते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं या फिर कोई नई जगह जाते हैं तो वहाँ की पिक्चर अपलोड करते हैं। क्यों? हमें इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं होता कि कोई चीज़ इंटरनेट पर हमेशा रहेगी। वी जस्ट अपलोड कि हमें कोई देखने वाला भी इंटरनेट पर है। हम सिर्फ अपनी हैप्पी और पॉजिटिव साइड ही इंटरनेट पर दिखाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें ऐसे ही देखें। तभी ये सवाल खड़ा होता है कि हम कौन है। हम जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है हम वो है, या हम जो घर वालों के साथ रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है या अकेले में रहता है, हम वो है। हमारी पर्सनैलिटी कौन सी है, हु एम आई, और इनमें से मैं कौन हूँ। क्योंकि हम सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है। ये हमारी जज्बातों को इन्फ्लुएंस करती है ताकि हम इनके प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली आए। मैं कौन हूँ या फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम सबसे पहले अपना नाम बताते हैं और अधिकतर जगह नाम बता के काम चल जाता है। लेकिन हम एक्चुअल में है कौन, हमारी पर्सनैलिटी कौन सी है, हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी जो अंतरात्मा है उसको सिर्फ नाम नहीं चाहिए, उसको कुछ मतलब चाहिए हमारे होने का, हमारे प्रेजेंस का, कि हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम क्या कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन हम असल ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम जैसे भी हैं वो डिपेंड नहीं करता। हम अपने ही स्टोरी स्टेटस को बार बार देखते हैं, और सिर्फ यही नहीं, जब कोई हमारा चाहने वाला उस स्टेटस को देख ले तो हम उसको दोबारा से देखते हैं, सिर्फ यही कि वो कैसे हमें देख रहा होगा। और यही हमारा नेचर है, हम इसी तरह खुद को डिफाइन करते हैं कि सामने वाला हमें किस पर्सपेक्टिव से देख रहा होगा। आपने नोटिस किया होगा जब भी हम इंस्टाग्राम पे कोई रील देखते हैं जो हमें पसंद आई वो हम तुरंत किसी से शेयर कर देते हैं, और सिर्फ रील ही नहीं, जो पिक्चर, मूवी हमें पसंद आई हो या फिर कोई गाना जो हम बार बार सुनते हैं वो हम फटाफट किसी अपने चाहने वाले से शेयर कर देते हैं। और ये हम इसलिए नहीं करते कि वो चीज़ एक्चुअल में अच्छी है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो हम वाइब ले रहे हैं उस चीज़ को देखते हुए हमारा चाहने वाला भी वो वाइब ले, क्योंकि किसी चीज़ को हम फर्स्ट टाइम देख सकते हैं, दूसरी बार देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ को बार बार पहली बार देखना इम्पॉसिबल है। आप समझ रहे हो आई थिंक, किसी भी एक चीज़ को बार बार पहली बार देखना, कि जब हमने किसी चीज़ को पहली बार देखा तो वो एहसास जो पहली बार होगा वो हम दोबारा नहीं ले सकते। हाउ डू वी सी समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन, आई थिंक ये दुख की बात है कि कोई चीज़ इतनी खूबसूरत है कि हम उस चीज़ को बार बार पहली बार देखने का एहसास नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हम वो चीज़ सामने वाले को शेयर कर देते हैं ताकि हम उसके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ देख सकें कि वो उसको कैसे देख रहा है, और उसी की वाइब को हम क्रिएट करते हैं, हमें लगता है कि हम वो चीज़ भी पहली बार देख रहे हैं। लेकिन द एक्चुअल पॉइंट इज़ हु एम आई, हम हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से ही चलते हैं, और दूसरे के जो सब्जेक्टिव रियलिटी होती है उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो हमें किस तरह देख रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि लोग हमें उसी तरह देखें जिस तरह हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं। आई नो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है वीडियो, आधी आपको समझ भी नहीं आई होगी, मुझे भी समझ नहीं आएगी, मैंने भी आधी बकवास कर दी, आपको लग रहा होगा भांग पी के वीडियो बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत कुछ सोचा है इस वीडियो को बनाने के लिए, और ये शायद सोशल मीडिया की एक डार्क साइड है कि सोशल मीडिया ने हमें इस तरह बना दिया कि हम कैसे रह रहे हैं, हम सिर्फ लोगों को ध्यान में रख के ही ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि लोग हमें वैसे ही देखते हैं जैसा हम उनको दिखाना चाहते हैं, हम वैसे ही रहते हैं जैसे लोग हमें देखना चाहते हैं। दोनों
ये वीडियो शायद आपके लिए ना हो लेकिन मेरे लिए हो, मेरी ज़िंदगी में कुछ सुधार आए, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। 2-3 वीडियोज़ ऐसी और आएगी, कीप पेशेंस। अगर आपको पसंद आए तो आप देखना, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप दूसरों को दिखाना, शायद उनके काम आ जाए। सो हैप्पी मोमेंट।